नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास भी स्मार्टफोन है तो आप जरूर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी सारी चीज़ें होती जो चलाते होंगे, तो आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम है विनोद। ये मतलब ट्रेंड कर रहा है। और यदि आपने इस नाम को अभी तक कहीं नहीं देखा है अपने मोबाइल के अंदर, तो हो सकता है आने वाले समय में आप देख ले, क्योंकि हम भारत वाले जो होते हैं ना, किसी भी चीज़ का रायता फैलाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, ये बिना रायता के अभी तक विनोद जो है सबके पास नहीं पहुँचता, बिना रायता के पहुँचा भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन बात ये आती है कि जो भी विनोद नाम है पूरे ट्रेंड तो कर गया, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी देखो विनोद विनोद मतलब चल रहा है। तो आप कहीं पर भी देखो तो ये जो विनोद नाम है ये बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है। तो काफी लोग मन में ये है, ये विनोद है कौन, विनोद आया कहाँ से, मतलब ट्रेंड क्यों कर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कोई सेंस है या फिर मतलब ऐसे ही सब कुछ हो रहा है। तो इस वीडियो में हम अच्छे से आपको बताने वाले हैं कि ये जो विनोद नाम है ये आपको कैसे ट्रेंड कर रहा है, कैसे आप तक पहुंचा है, और नहीं पहुंचा है तो मैंने आपको कह विश्वास दिला दिया है ना कि आपके तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हम भारत वाले किसी भी चीज का रायता फैलाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो आप तक पहुंच जाएगा, और नहीं तो आप तक यदि विनोद नाम नहीं पहुंचा तो आप तक पहुंच जाएगा। अब बात हम ये कर लेते हैं कि जो विनोद नाम के ऊपर जब ट्रेंड फैला तो काफी सारे मीम्स बने, मतलब सारी हंसी मजाक जो चीजें होती है विनोद नाम की वो सारी चीजें फैली। तो उसके ऊपर हम एक बार नजर डालते हैं कौन कौन से मीम्स इसके ऊपर बन चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम वो सारे मीम्स देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम तो चल गया कि जितनी तेजी से अपने देश के अंदर वायरस नहीं फैला उसे तेजी से 2 या 3 दिन के अंदर ही ये विनोद बहुत तेज फैल गया साहब। तो काफी लोग सवाल ये है कि विनोद नाम ये आया कैसे, शुरुआत कैसे हुई। तो आपको मैं इसकी पूरी सच्चाई बताता हूँ, स्टोरी क्या है। ठीक है, स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक ऐसा चैनल है, ठीक है, जिसके 22 लाख सब्सक्राइबर होने को अब मतलब है, जिसका नाम है स्ले पॉइंट। ठीक है, स्ले मतलब SLAYPOINT, ठीक है, POINT, मतलब स्लेप पॉइंट नाम का एक चैनल है जिसके ऊपर कुछ लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने मतलब ऐसे बताया कि व्हाई इज इंडियन कमेंट सेक्शन इज गार्बेज, मतलब कि क्या है कि कमेंट बॉक्स में काफी लोग कैसे भी कमेंट करके चले जाते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया और काफी सारे कमेंट को इकट्ठा करके उन्होंने उसके ऊपर मतलब रोस्ट कर दिया, मतलब सभी जो कमेंट करने वाले थे। तो उन्होंने उस वीडियो के अंदर ये बताया कि मतलब भारत के अंदर जो लोग कमेंट करते हैं कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं यार, मतलब कैसे कुछ भी, मतलब कोई सेंस नहीं होता कमेंट करने का। तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब एक बंदा था, मतलब उन्होंने ऐसे बताया कि मैं किसी की वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था जिसका नाम था विनोद थारू। ठीक है, विनोद थारू नाम का कोई बंदा था और नीचे उसने कमेंट क्या किया, विनोद BINNOD, विनोद नाम का कमेंट कर दिया। विनोद नाम उसने कमेंट तो कर दिया, सबसे अच्छी बात, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पीछे वापस आकर 7 जनों ने उसके कमेंट को लाइक भी कर दिया। मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि इसके पीछे का सेंस क्या है। मतलब वीडियो किसी के ऊपर कोई बनाओ, ठीक है, जैसे मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके नीचे काफी लोग विनोद विनोद टाइप करके चले जाएंगे। ठीक है, तो उस बंदे ने विनोद नाम के वहां पे मतलब अपना नाम लिखा, ठीक है, और उस विनोद को 7 जनों ने लाइक भी कर दिया। तो बस यहीं पे स्टोरी मतलब स्टार्ट होती है कि मतलब किसी बंदे ने किसी चैनल पे जाकर अपना विनोद थारू नाम था उसका, विनोद उसने केवल लिख दिया, उस कमेंट सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेकर ये स्लेप पॉइंट वाले जो भैया हैं इन्होंने लेकर मतलब तो स्क्रीनशॉट लेकर उसके ऊपर वीडियो बना दिया और बता दिया है कि ये मतलब भारत के जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं किसी के पीछे कोई सेंस नहीं होता, क्या कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं, बस यही उस वीडियो में बताया गया है। तो उस वीडियो की जो लिंक है स्लेप पॉइंट वाले चैनल की, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देखेगा आपको और अच्छे से इस बात को आपको समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो घुमा फिरा कहानी इसके ट्रेंड की यही है कि एक बंदा था जिसका नाम विनोद थारू था, उसने किसी वीडियो को नीचे जाके अपना नाम विनोद कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद में उसको स्लेप पॉइंट वाले भैया ने देख लिया और देखने के बाद स्क्रीनशॉट लिया और उसको ट्रेंड कर दिया, अपने टाइटल के अंदर भी बता दिया कि व्हाई इज इंडियन कमेंट सेक्शन इज गार्बेज और बॉक्स में लिख दिया विनोद। ठीक है, इसके कारण पूरा मतलब पॉपुलर चैनल था, उन्होंने किया जो भी है, तो फिर ये विनोद नाम का जो ट्रेंड पूरे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम चारों तरफ मेरे तक, आपके तक धीरे धीरे पहुंच गया। बस अब काफी लोग सवाल ये था कि विनोद ट्रेंड क्यों कर रहा है, विनोद है कौन भाई बता दो। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है, आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे विनोद लिखना मत भूलिएगा। विनोद लिखेंगे यार, सीधी बात, लोग लिख के जाएंगे, उनके मर्जी कुछ भी लिख सकते हैं, उनका क्या है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको बता दिया है कि विनोद वाला ट्रेंड अपने देश के अंदर क्यों चल रहा है
और बहुत तेजी से फैल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है अपने देश के अंदर। रायता फैलाने में हम एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि विनोद नाम ये क्यों फैल रहा है, इसके पीछे का ट्रेंड का लॉजिक क्या है, सेंस क्या है। इस वीडियो को मैंने आपको बताया तो दूसरों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। प्लस यदि आपको हमारा अंदाज पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देखिएगा ताकि आने वाले समय में और आपको कुछ अच्छी जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, मतलब वही पूरी पुरानी रामायण है जिसको हम सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करवाते हैं, तो ये कर लीजिएगा ताकि हम जो वीडियो बनाए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।